सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में ड्रॉ करने वाले हैं अवतार मूवी का ये वाला पिक। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूँ, आप चाहे तो इसको डाउनलोड करके मेरे साथ ड्रॉ भी कर सकते हो। तो गाइस, यहाँ पर जो पेपर यूज करने वाला, जो कि कैनसन का जो वाटर वाला पेपर आता है, तो उसका यूज करने वाला हूँ। आगे इसको कलरिंग भी करने वाला हूँ, कलरिंग ट्यूटोरियल आगे आने वाला है। तो इस एपिसोड में पहले मैं आउटलाइन बनाने वाला हूँ, जो कि ग्रिड लाइन का यूज करके, ग्रिड का यूज करके यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो ऐप एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, जो कि आर्टिस्ट ड्रॉइंग ग्रिड ऐप आता है, तो उसका यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फोल्डर ऑप्शन क्लिक करने के बाद देख सकते हो, यहाँ पर जो ओरिएंटेशन है वर्टिकली है, और जो पेपर का साइज है एफोर साइज पेपर में यहाँ पर ड्रॉ करने वाला हूँ। तो इसको ओपन करने के बाद गाइस, यहाँ पर जो गैलरी ऑप्शन आता है उसको क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो ड्राइंग में ड्रॉ करने वाला हूँ, जो रेफरेंस फोटो है उसको यहाँ पर चूज कर दिया। चूज करने के बाद यहाँ पर आपको जितना साइज में आपको ड्रॉ करना है, उतना साइज में गाइस यहाँ पर आपको जो है क्रॉप कर देना है। आप जितना मर्जी, जितना से मैं आप ड्रॉ करना चाहते हो, अपने तरीके से यहाँ पर आप क्रॉप कर देना। क्रॉप करने के बाद गाइस यहाँ पर दोस्तों, जो ग्रे लाइन वगैरह और जो नंबरिंग वगैरह बन चुका है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आता है देखा जाता है, जो कि गाइस है देख सकते हो, जो 1 साल का साइज है 20 mm, 20 mm की मीन्स गाइस आपको 2 सेंटीमीटर छोटे छोटे आपको यहाँ पर ग्रेलाइन ड्रॉ करना है। आप यहाँ पर बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, आप यहाँ पर 30 कर दो, 3 सेंटीमीटर छोटे छोटे आपको ग्रेलाइन ड्रॉ करना है। 10 कर दो, 1 सेंटीमीटर, 60 कर दो, 6 सेंटीमीटर, 90 कर दो, 9 सेंटीमीटर छोटे छोटे आपको ग्रेलाइन ड्रॉ करना है। लेकिन यहाँ पर मैं 20 रहने देता हूँ, 20 सेंटीमीटर, जो कि 2 सेंटीमीटर छोटे छोटे यहाँ पर मैं ग्रेलाइन ड्रॉ करने वाला हूँ। तो अभी फिलहाल 2 सेंटीमीटर छोटे छोटे यहाँ पर मैं ग्रेलाइन ड्रॉ करने वाला हूँ। तो इसलिए गाइस यहाँ पर जो जो स्केल है उसके यूज करके पहले यहाँ पर मैं 2 सेंटीमीटर के मार्क कर देने वाला हूँ, जो कि मैकेनिकल पेंसिल यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। आप हमेशा जो भी ग्रे लाइन और जो भी आउटलाइन वगैरह बना रहे हो, तो आप हमेशा लाइट पेंसिल ही यूज करिए। यहाँ पर मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज कर रहा हूँ। आपके पास मैकेनिकल पेंसिल नहीं है तो आप जो 2B पेंसिल या HB पेंसिल यूज करके भी यहाँ पर जो आउटलाइन को बना सकते हो। तो अभी यहाँ पर मार्क करने के बाद इसको ज्वाइन करने वाला हूँ आगे। तो देखिए, once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too, sneaking looks up and down from across the room, and damn what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait, a first time, a first date, you're so fine. तो गाइस यहाँ पर जो है मैं मार्किंग वगैरह जो ग्रेन वगैरह मैं कर चुका हूँ। तो अभी फिलहाल एक ऑप्शन आता है यहाँ पर आपको देखा है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल ऑप्शन है। तो यहाँ पर देख सकते हो, जो शो रियल साइज का ये ऑप्शन आता है देख सकते हो यहाँ पर। तो इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो सेल का साइज है और जो पेपर में जो सेल का साइज है वो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो सेल का साइज जो जो फोन में, तो उसका सेल का साइज 20 mm हो जाएगा, 20 mm 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखा देता हूँ, जो यहाँ पर जो सेल का साइज है 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो हम पेपर में बनाए उसका भी सेल का साइज 2 सेंटीमीटर। तो इजीली आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, जो साइज है सेम हो जाएगा। तो आप कोई भी पार्ट से यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि आई हो गया, नोच हो गया, लिप्स हो गया, हेयर हो गया, किसी भी पार्ट से यहाँ पर आप आउटलाइन बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं ये पार्ट से स्टार्ट करने वाला हूँ, तो जो आई की जो कॉर्नर पार्ट है, तो ये पार्ट कौन सी बॉक्स में पड़ रहा है पहले देखना पड़ेगा। ऊपर साइड देख सकते हो यहाँ पर, जो कि 5 नंबर बॉक्स में, और जो साइड में देख लेते हैं कौन सी बॉक्स में पड़ रहा है। तो इधर की साइड 6 नंबर बॉक्स, तो यहाँ पर मार्क कर दिया। और इसकी जो बीच में जो बॉक्स है, उस बॉक्स से जो आई की जो कॉर्नर पार्ट है वो स्टार्ट होने वाला है। तो ये पार्ट है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है गाइस, जो जिस मोबाइल जिस तरीके से है उसी तरह से सिर्फ आपको यहाँ पर आउटलाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए जो मैकेनिकल पेंसिल है उसका यूज कर रहा हूँ। आप HB पेंसिल या 2B पेंसिल यूज करके भी आप यहाँ पर आउटलाइन को ड्रॉ कर सकते हो। तो गाइस इसको किस तरह से मैं इसकी आउटलाइन बना रहा हूँ आप देखिए। तो यहाँ पर और एक चीज़ देख सकते हो, जो कि मैं स्केल की मदद से यहाँ पर थोड़ी बहुत मैं मेयर करके भी यहाँ पर जो आउटलाइन बना रहा हूँ, जो कि परफेक्ट तरीके से जो आउटलाइन बन पाएगा, इसलिए मैं स्केल की मदद से भी थोड़ी बहुत मैं यहाँ पर मेयर कर रहा हूँ। Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams. We all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe? And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy.
they know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night. Oh, and we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe we can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? My pillow feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there. तो यहाँ पर जो आउलेन है वो तो लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस इसी नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द आने वाला है, जहाँ पर गाइस मैं कलरिंग करने वाला हूँ आगे। तो अभी तो चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो जो भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी बजा देना, क्योंकि इसकी नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मिलेंगे बहुत ही नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।